नीमच में आज वाल्मीकि युवा शक्ति संगठन के सदस्य एकत्रित होकर नीमच के पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और उन्होंने पुलिस अधीक्षक के नाम एक ज्ञापन सौंपा और यह मांग की कि नगर परिषद रतनगढ़ के तत्कालीन अध्यक्ष ओम प्रकाश मुंदड़ा ने जो एक पुस्तक का विमोचन किया था रतनगढ़ का इतिहास, उसमें वाल्मीकि समाज के लिए जो टीका टिप्पणी की थी, उनकी भावना आया था, उसको लेकर प्रकरण भी दर्ज किया गया था जनवरी में, लेकिन आज दिनांक तक उनके गिरफ्तारी नहीं होने से इसमें आक्रोश है वाल्मीकि समाज के युवा शक्ति संगठन में और वो आज एसपी ऑफिस ज्ञापन देने पहुंचे हैं। जनवरी 2020 की घटना है, नगर परिषद रतनगढ़ के निवर्तमान अध्यक्ष ओम प्रकाश जी मुंदड़ा द्वारा अपने कार्यकाल का व्याख्यान करने के लिए एक पुस्तिका का प्रकाशन और विमोचन किया गया था जिसका नाम था रतनगढ़ का इतिहास, जिसमें उन्होंने रतनगढ़ के बारे में सामाजिक ऐतिहासिक भौगोलिक स्थिति का व्याख्यान तो किया है, साथ ही साथ सामाजिक रीति रिवाजों के बारे में भी, जातियों के बारे में भी उन्होंने टीका टिप्पणी की है जो कि काफ़ी अपमानजनक है। इसी संबंध में हम वाल्मीकि युवा श्री वाल्मीकि युवा शक्ति संगठन के नेतृत्व में वाल्मीकि समाज, जिसे उन्होंने पुस्तिका में हरिजन के नाम से संबोधित किया है, उनको लेकर एक अपमानजनक अशोभनीय टिप्पणी की है, जिसमें बताया गया है कि वाल्मीकि समाज हिंदू धर्म तो है किंतु सारी रीति रिवाज उनके मुस्लिम जन से मेल खाते हैं और ये एक प्रकार से मुस्लिम है, जिससे कि पूरे वाल्मीकि समाज जिला नीमच में रोष व्याप्त है और हम अपने आप को काफ़ी अपमानित सा महसूस कर रहे हैं। पूर्व में हम 8 जनवरी 2020 को लेखी रिपोर्ट दी थी जिस पर प्रकरण भी कायम हुआ था, किंतु आरोपी की कोई गिरफ्तारी नहीं होने से उसके हौसले काफ़ी बुलंद है। वर्तमान में वो खुले रूप से नगर परिषद रतनगढ़ में खुलेआम घूम रहा है, साथ ही साथ चौराहे पे वाल्मीकि समाज के बारे में अपमानजनक बातें भी बोल रहा है, बोलने में आ रहा है कि कोई भी समाज मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तो ये तो काफ़ी नीच जाती है, ये मेरा कुछ भी नहीं कर सकती। उस संबंध में हमने वापस पुनः आरोपी की और उसके साथ जो प्रकाशित पुस्तक है उसके जो लेखक हैं डॉक्टर सेजर सिंह चौहान एवं उसके संपादक जो हैं मोहन सिंह जी राणावत, उनके विरुद्ध भी अपराध पंजीबद्ध करने और उनको शीघ्र गिरफ्तारी की मांग हेतु एसपी साहब के नाम एक ज्ञापन दिया है। वाल्मीकि समाज एक हिंदू संप्रदाय को प्रभावित करता है, जैसा कि ओम प्रकाश जी मुंदड़ा ने वाल्मीकि साहब के जो हरिजन शब्द के लिए है और मुस्लिम समाज परंपरा अनुसार बताया गया है, उसके लिए वाल्मीकि समाज बड़े आकर्षित है और इसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी नहीं करी तो वाल्मीकि समाज सड़कों पर उतरेगा। कहीं ना कहीं आपको लगता है जो उन्होंने पुस्तक में लिखा है वो एक तरीके से गलत लिखा है पूरा? हाँ सर, बिल्कुल गलत है। वाल्मीकि समाज एक हिंदू परंपरा को अपनाता है, मतलब इस पुस्तक के माध्यम से पूरे भारतवर्ष या जो भी इसको पढ़ेगा उन सबको गुमराह किया गया है। बिल्कुल किया गया है, क्योंकि आज जो नई युवा पीढ़ी आएगी उसको यही बताया गया है कि वाल्मीकि समाज मुस्लिम धर्म को अपनाता है, मुझे कलासर गलत है। तो ये देखना है कि नीमच पुलिस किस तरह से अब ये रसूखदारों की गिरफ्तारी कर पाएगी या मामला ज्ञापन तक ही सिमट कर रह जाएगा। पुलिस पंचायत के लिए नीमच से संजय गोड़ की विशेष रिपोर्ट।